चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे हम इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। द पर्टिकुलर्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउस ऑफ मिस्टर योगी आर गिवेन बिलो फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। म्युनिसिपल वैल्यू 44,000 रुपीज है, फेयर रेंट 48,000 रुपीज है, स्टैंडर्ड रेंट 36,000 रुपीज है, एक्चुअल रेंट 37,200 रुपीज है, म्युनिसिपल टैक्स पेड 8,800 रुपीज, ग्राउंड रेंट पेबल 60 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन 5,000 रुपीज, कलेक्शन चार्जेस एक्चुअली पेड 300 रुपीज, द एसेसी मॉर्गेज द प्रॉपर्टी फॉर 36,000 विच वॉज स्पेंट ऑन हिज डॉटर मैरिज, द एसेसी पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3,000 ऑन मॉर्गेज लोन दिस ईयर, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे देखिए जो करदाता है प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 36,000 रुपए का लोन लिया और उस लोन का यूज उसके लड़की के शादी से रिलेटेड है, तो यहां पर इस इंटरेस्ट जो पे कर रहा है 3,000 रुपीज का उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हाउस से रिलेटेड नहीं है। यहां केवल इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन जो दिया है 5,000 रुपीज इसी इंटरेस्ट से मतलब होगा, और म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है उससे मतलब है, और बाकी के जो चार रेंट दिए गए हैं म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, तो इसी से हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है तो सिंपल, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसको समझना जरूरी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, यहां पे देखिए चार किराया दिया गया है, जैसे म्युनिसिपल वैल्यू है 44,000 रुपीज, फेयर रेंट है मतलब FR 48,000 रुपीज, एक्चुअल रेंट है 37,200 रुपीज और स्टैंडर्ड रेंट है 36,000 रुपीज। ये चार किराया जो दिया है इसी से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा होता है तो ये जीएवी होता है, तो यहां पे देखिए एक्चुअल रेंट ज्यादा नहीं है तब ऐसी कंडीशन में म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट में जो अधिक होगा वो लेंगे, तो देखा जाए इन तीनों में जो अधिक है वो 48,000 रुपीज है, तो ये 48,000 रुपीज जो भी है मतलब म्युनिसिपल वैल्यू होता या फेयर रेंट या कुछ भी होता वो स्टैंडर्ड रेंट से कम होना चाहिए था, अगर कम होता तो ग्रॉस रेंट वैल्यू होता, बट यहां पे कम नहीं है तब ऐसी कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो अधिक होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। यहां पे जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा मतलब जीएवी जो होगा वो होगा 37,200 रुपीज, तो मेन जीएवी था यहां पे, जीएवी हमारा आ गया 37,200। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। जीएवी लेते हैं, जीएवी यहां पे दिया गया है 37,200 रुपीज, लेस करेंगे इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स जो कि यहां पे 8,800 दिया गया है। अब 37,200 में से 8,800 माइनस करते हैं हम, 0, 0, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहां पे 6 बचेगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा और ये बचेगा 2, यानी 28,400 रुपए। ये हमारा आ गया एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू। अब इसी भी हमें डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 में, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए में जो कि होता है 30% ऑफ एनएवी नेट एनुअल वैल्यू मतलब 28,400 का 30%, मतलब 30/100 कर देंगे हम। अब इसको हम निकाल लेते हैं कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 0, अब 3 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, 2 कैरी 1, फिर 8 में
3 का मल्टीप्लाई होगा 24 अब 1 25, फिर उसके बाद कैरी 2 हो जाएगा, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 2 8, 8,520 रुपए। ये आया हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा इसमें होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 5,000 रुपीज दिया गया है हाउस रिलेटेड। बाकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के हमने 36,000 का लोन लिया था, उस लोन का यूज डॉटर के मैरिज के लिए किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखा जाए तो जो दोनों डिडक्शन यहाँ पे हैं 8,520 और 5,000, यानी 13,520 रुपए, 13,520 इसको हम एनएवी में से माइनस कर देंगे। 0, 8, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 7, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ये हमारा आ गया 14,880 रुपए। यही यहाँ पे होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में 4 किराया था, चारों में से हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर एक्चुअल रेंट सबसे ज्यादा होगा तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा नहीं होता है तब म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट में जो अधिक होगा वो लेंगे। जैसे यहाँ 48,000 आया था, ये स्टैंडर्ड रेंट से कम होता तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता, बट ये स्टैंडर्ड रेंट से कम नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो अधिक होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, जो कि यहां 37,200 आया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हमने म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दिया और जो आया वो नेट एनुअल वैल्यू आया, फिर उसमें से हम डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 24 में। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% एनुअल वैल्यू का होता है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये था कंप्लीट क्वेश्चन, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।